हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार विंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय फिनेसर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो रिन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। और इस तरह के क्वेश्चन रिएक्शन को कम्प्लीट करने के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर दो लोग होगा, इतने सारे नहीं बट दो या तीन देगा तो 2 या 3 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, सिंपल सा आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो पहला जो रिएक्शन है, आपने अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है? तो इस रिएक्शन कौन सा है? फिंकलस्टीन रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वही रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो आयोडीन यहाँ पर आएगा और क्लोरीन यहाँ पर, तो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से CH3H2 और CH2 यहाँ से आ जाएगा आयोडीन और प्लस साइड में यहाँ से बन जाएगा NaCl। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम है आयडो प्रोपेन। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे में आपको क्या दिया है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और KOH है और यहाँ पर जाना कि इथेनॉल है। तो इथेनॉल है, इसका मतलब अब यहाँ पर जो होने वाला है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में अल्फा पोजीशन से कौन क्या जाएगा? ब्रोमीन, और एडजेसेंट कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाऊं तो CH3 यहाँ पर है, CH3 और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, ठीक है? और इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH देखा, दैट मीन्स ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन आप कहीं से निकाल दीजिए, चले मैंने बीटा यहाँ से निकाला, तो डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, फिर कार्बन और फिर यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और इसी कार्बन से CH3 लगाए। तो ये इसका प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम है 2-मिथाइल, ठीक है? ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए थर्ड को देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में आपका NaOH है, वाटर है ना? तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। इसमें कौन सा होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अगर रिएक्शन के ओपन करके देखाएं हम, तो CH3 यहाँ पर है CH और इसी कार्बन से ब्रोमीन है, फिर यहाँ पर है CH2, फिर यहाँ पर CH3 और NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में। तो होगा क्या? ब्रोमीन के प्लेस पे आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या होगा? ब्रोमीन के प्लेस पे आ जाएगा OH और ब्रोमीन चला जाएगा इसके साथ। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH, यहाँ से अल्कोहल OH आ जाएगा और बाकी यहाँ से CH2CH3 और साइड में यहाँ पर NaBr। इस कंपाउंड का नाम है क्या? ब्यूटेन टू ऑल। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्ड की, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में देखिए KCN है और एक्वस इथेनॉल है। तो यहाँ से भी एक्सचेंज रिएक्शन होने वाला है CH3CH2Br और इसको KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। बाकी जो रिएजेंट दिया है, तो यहाँ से ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास। तो फाइनल जो बनाएगा CH3CH2 और यहाँ पर CN और प्लस यहाँ से KBr और इस कंपाउंड का नाम है क्या? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है? नाइट्राइल कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ का, तो फिफ्थ में ये आपका सोडियम ईथर टाइप का कंपाउंड है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, C6H5O Na है प्लस यहाँ पर C2H5Cl है। तो यहाँ से क्या होगा? Na इसके पास और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा C6H5O और यहाँ से C2H5 और साइड में बनाया जाएगा NaCl। तो ये आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इसको आप बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल, ये कॉमन नेम है। बाकी इसका एक और नाम है, फेनेटॉल भी इसको बोलते हैं, है ना? फेनेटॉल। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है, ये आपने प्रिपरेशन पढ़ा होगा,
एल्कोहल से थायोनाइल क्लोराइड का। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH3CH2CH2Cl, और साइड में आ जाएगा SO2 और HCl। तो यहाँ से आपका क्लोरो प्रोपेन फॉर्म करेगा। और जो सेवेंथ है, इसमें आपको एंटी मार्कोनिको रूल लगाना है। तो एंटी मार्कोनिको रूल अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जाएगा जिस डबल बॉन्डेड के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो फर्स्ट पे, और ये जाएगा यहाँ पर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से CH3CH2CH2 और यहाँ से CH2Br, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 1-bromopentane बोल सकते हैं। लास्ट जो है इसमें, तो लास्ट में देखिए, यहाँ पर आपने हेल्किन देखा, यहाँ पर HBr, सिंपल सा मार्कोनिको रूल लगा देंगे। और मार्कोनिको रूल लगाएंगे तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा CH3CH और यहाँ पर आएगा CH2, फिर यहाँ पे कार्बन और इसी के पास होगा ब्रोमीन और इसी से 2 मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड होंगे। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2-bromo-2-methyl, और टोटल कितने कार्बन है, 4, सिंगल बॉन्ड है, तो 2-methyl-2-bromo-2-methyl-butane, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएगी, इसमें से हो सकता है एमसीक्यू या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।